हेलो दोस्तों, कंप्यूटर देवता फिर से हाजिर है क्लास 9 का एक चैप्टर समझाने, जिस चैप्टर का नाम है कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पूरे कंपोनेंट को पढ़ने वाले हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट हैं। हम इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, हम इसमें इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम इसमें आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपकी जॉयस्टिक हो गई, आपका लाइट पेन हो गया, आपका स्कैनर हो गया, आपका बारकोड रीडर हो गया, आपका MICR हो गया, OCR हो गया, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पूरा CPU के बारे में गहन स्टडी करने वाले हैं कि आखिर CPU क्या होता है, क्या क्या काम होते हैं CPU के, और हम लोग उसके बाद आउटपुट यूनिट को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं इस पूरी वीडियो को 3 पार्ट में बनाने की कोशिश करूंगा। पार्ट 1 में हम लोग इनपुट डिवाइस तक पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम लोग CPU के बारे में पढ़ेंगे, और पार्ट 3 में हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्यूटर का बैकबोन होने वाला है। तो चलिए मिलके शुरुआत करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम है क्या। तो प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर जो है वो कौन कौन से मेनली पार्ट से बना हुआ है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर और चैप्टर नंबर 2 आपके सामने। इंट्रोडक्शन। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न सम बेसिक थिंग्स अबाउट द कंप्यूटर एंड हाउ इट वर्क विद द हेल्प ऑफ वेरियस यूनिट्स लाइक इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड द स्टोरेज यूनिट। बच्चों, चैप्टर 1 में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कंप्यूटर काम कैसे करता है और कंप्यूटर की जो डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स हैं लाइक इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये सारी क्या क्या हैं, ये सब मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ा दिया। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर इन असिस्टेड एट ईच स्टेप बाई द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इन इट। हम लोग पहले ही पढ़ चुके कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की मदद से स्टेप बाई स्टेप कैसे काम करता है कंप्यूटर। Thus, we can say that computer is made up of the 2 basic components. अब हम इस नतीजे पर पहुंचे और हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर 2 चीजों से मिलकर बना है। वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? तो शुरू करता हूं, वो चीज आपकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। चलिए हम सरल भाषा में समझते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी यानी पूरा मानव शरीर 2 चीजों से बना हुआ है, एक उसका शरीर और दूसरी उसकी आत्मा। शरीर जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग जोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग तोड़ सकते हैं, वो हमारा शरीर। मेरा हार्ट टूट गया, शरीर टूटा, इसको जोड़ दो, प्लास्टर चढ़वा दो, शरीर जुड़ा। लेकिन ये हमारा जो शरीर है, इसको हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसको हम लोग हार्डवेयर कह सकते हैं। और एक वो जो भगवान के द्वारा दी हुई हमारी आत्मा, जो हम सबके शरीर में विद्यमान है, लेकिन कोई उसको देख नहीं सकता, बस हम महसूस कर सकते हैं, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की भाषा में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो हार्डवेयर के बारे में उसने बताया है, द फिजिकल कंपोनेंट दैट मेक अप द बॉडी ऑफ द कंप्यूटर आर हार्डवेयर। वो फिजिकल कंपोनेंट जिससे पूरी कंप्यूटर की बॉडी बनी हुई है, जिससे पूरा कंप्यूटर का ढांचा बना हुआ है, वो आपका हार्डवेयर कंपोनेंट कहलाते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर टेंजिबल। बच्चों, हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैसे होते हैं?
टेंजिबल हो सकते हैं, टेंजिबल होते हैं, जिनको हम लोग आराम से टच कर सकते हैं, जिनको हम लोग आराम से होल्ड कर सकते हैं, जिनको हाथों के द्वारा हम छू सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर हैं। ऑल द इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम से अटैच हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर ही तो हैं। बच्चों, दोस्तों, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग देखिए, कंप्यूटर सिस्टम से अगर ये वेबकैम जोड़ दिया, कंप्यूटर सिस्टम से अगर ये हार्ड डिस्क जोड़ दी, कंप्यूटर सिस्टम से अगर ये माउस जोड़ दिया, कंप्यूटर सिस्टम से अगर ये सीडी जोड़ दी, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम छू सकते हैं, हम इनको देख सकते हैं, हम इनको पकड़ सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो हैं वो हार्डवेयर हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हार्डवेयर हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर, वायर्स, केबल्स एंड केसिंग कैबिनेट आर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम पकड़ सकते हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, हमारे हार्डवेयर्स हैं। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर हमारे अंदर की आत्मा। इसी तरीके से कंप्यूटर की आत्मा, जो हम केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, वो हमारी सॉफ्टवेयर है। पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर आर द वर्चुअल पार्ट और कंपोनेंट दैट आइदर कंट्रोल द इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर और अलाउ अ यूजर टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर एक वर्चुअल पार्ट है। वर्चुअल का मतलब एक तरीके से जो है लेकिन हम देख नहीं पा रहे, हम जस्ट उसको महसूस कर सकते हैं, वो वर्चुअल पार्ट है। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी वर्चुअल पार्ट कौन सा है, सॉफ्टवेयर है, जो हमारी पूरे कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग को कंट्रोल कर रहा है, जो कंप्यूटर को अलाउ करता है कि कौन सा काम इस समय करना है और कौन सा काम इस समय नहीं करना है, वो सारा का सारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। विंडो कहते हैं ना, विंडो, विंडो पढ़वा लो, विंडो डाल दो, विंडो एक सॉफ्टवेयर ही तो है। विंडो उड़ गई, कहां देखा, किसने देखा उड़ गई, क्यों, क्योंकि वो एक वर्चुअल पार्ट है, हम उसको जस्ट महसूस कर सकते हैं। वी कैन नॉट टच देम और होल्ड देम इन आवर हैंड, हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको हाथों से नहीं पकड़ सकते। We can only interact with these component in the virtual environment. हम बस केवल एक वर्चुअली एनवायरनमेंट के माध्यम से हम इसको महसूस कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हवा नहीं चल रही, यहाँ हवा चलाओ, पंखा चलाओ, हवा आएगी, पंखा चलाओ, हवा आएगी, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट ही तो है, हम हवा को देख नहीं रहे हैं लेकिन महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे डीपली। नेक्स्ट चैप्टर में ये डीपली तरीके से है कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। अभी तक हमने ये सीखा कि कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना है, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। तो जितनी सारी चीज़ें कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होती हैं फिजिकली, वो सारी की सारी हार्डवेयर में आती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस के बारे में मैं आपको चैप्टर वन में बता चुका हूँ। जिस डिवाइस के थ्रू हम अपना डाटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर तक पहुँचाते हैं, कंप्यूटर उसको ग्रहण करता है, यानी टेक, यानी लेता है, वो सारा का सारा इनपुट डिवाइस की ही देन है। द डिवाइस दैट आर यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। वही बात, ऑल द इनपुट डिवाइसेस दैट कैन बी अटैच टू द कंप्यूटर कॉन्स्टिट्यूट द इनपुट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। जितनी भी इनपुट डिवाइस हैं या ऐसी डिवाइस जिनके द्वारा हम अपना डाटा कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं, वो सारी की सारी इनपुट यूनिट्स हैं। अलग अलग तरह की इनपुट डिवाइस हैं जिनको हम एक एक करके बहुत आराम से पढ़ेंगे। तो इनपुट डिवाइस का मतलब ये हुआ ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा हम अपना डाटा या इंस्ट्रक्शंस
कंप्यूटर तक पहुंचाएं वो हमारी इनपुट डिवाइस है। तो चलिए सबसे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस सबसे पहले आपके सामने है कीबोर्ड। कीबोर्ड कीबोर्ड के माध्यम से हम सबसे ज्यादा डाटा अपना कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। हम और कंप्यूटर के बीच में अगर कोई वार्तालाप कराने वाला है, हमारी बात कंप्यूटर तक पहुंचाने वाला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इनपुट डिवाइस के ही माध्यम से अपनी बात या अपना इंस्ट्रक्शंस या अपने डाटा कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। कीबोर्ड के बारे में मैंने बहुत डीपली नॉलेज के साथ एक वीडियो बना रखी है, वो शायद आप लोगों ने देख रखी हो। जिन लोगों ने नहीं देखी हो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के एक संपूर्ण कीबोर्ड जानकारी के नाम से एक मेरी वीडियो है, वहाँ आप जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने हर एक बटन के बारे में, हर एक कीज़ के बारे में बताया है कि कौन सी की का क्या काम है। तो कीबोर्ड के बारे में ज़्यादा यहाँ ना बता करके बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम अपना डाटा कंप्यूटर तक पहुँचाते हैं। अगली इनपुट डिवाइस के बारे में हम बताते हैं। अगली इनपुट डिवाइस जो है वो है माउस। माउस मतलब चूहा। चूहा जो एक जगह ना रुके, जो लगातार इधर उधर भागता रहे, वो है माउस। जी हाँ, वो है माउस। माउस के बारे में ये बताया गया है कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब जो पॉइंट आउट करे, जैसे मान के चलिए पांच लोग खड़े हुए हैं, पांच लोगों में सपोज मैं किसी की तरफ इशारा करके कहूं कि तुम इधर आओ, तो मैंने जिसकी तरफ उंगली करी, जिसकी तरफ उंगली दिखाई, वो एक क्या है, वो मेरा पॉइंटर है। इसी तरीके से पॉइंटिंग डिवाइस है माउस, जो पॉइंट आउट करे। अब जैसे सपोज ये मेरा माउस है और मैं ये कहूं कि देखो ये माउस लिखा हुआ है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस हुई ना। मैंने इधर की तरफ इशारा करा, इधर की तरफ पॉइंटिंग करा, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है। तो माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ध्यान रखना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, तो आपको ध्यान रखना है कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ओल्डर इज कॉल माउस हैड अ वॉल अंडरनीथ विच रोल्स व्हेन द माउस इज मूव्ड अक्रॉस। पुराने जमाने के जो भी माउस होते थे उनके नीचे एक बॉल लगा करती थी, आप माउस को जैसे घुमाते थे तो वो वॉल भी घुमा करती थी, जिसकी वजह से आपका माउस का पॉइंटर घुमा करता था। लेकिन अब बॉल वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब हमारे माउस के नीचे एक लाइट होती है, उस लाइट का कनेक्शन सीधे और सीधे सेंसर से होता है। जब आप उस माउस को मूव करते हो तो वो लाइट भी अपना काम शुरू करती है और वो सेंसर के माध्यम से माउस पॉइंटर को मूव करती है। तो इसमें ज़्यादा बात समझाने की नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि माउस जो है वो क्या है, वो एक इनपुट डिवाइस है, साथ के साथ वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस इसमें लिखा हुआ है द कंप्यूटर दैट मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन इन द डायरेक्शन ऑफ द माउस मूवमेंट। माउस के मूवमेंट के ही हिसाब से हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो माउस पॉइंटर होता है वो भी मूव करता है। अब यहाँ पे माउस के कुछ ऑपरेशंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये माउस है, ये माउस का तार है। माउस जनरली दो तरीके के होते हैं, एक वायर माउस और एक वायरलेस। वायर माउस का मतलब जिसमें ये तार जुड़ा हुआ होता है वो वायर माउस हो गया, जिसमें तार नहीं होता है वो वायरलेस हो गया। यहाँ पे इसके दो बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट माउस बटन और एक होता है राइट माउस बटन। ये स्क्रॉल बार होता है जिससे स्क्रॉल अप और डाउन होता है। तो ये पॉइंट करने के काम में आता है, डबल क्लिक करने के काम में आता है, ड्रैग करने के काम में आता है, क्लिक करने के काम में आता है, राइट क्लिक करने के काम में आता है, राइट ड्रैग करने के काम में आता है। देखो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्रैगिंग का मतलब क्या होता है। ड्रैगिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ये वाली चीज़ है, इसको पकड़ के यहाँ पे खींच करके यहाँ लाना। तो ये हाँ से अगर मैं इसको पकड़ूंगा, ये तो खैर एक पीडीएफ है इसलिए इसमें नहीं होगा। जैसे मान के चलिए ये माउस की पिक्चर को पकड़ करके मैं इधर से यहाँ खींच कर लाया, तो ये हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ से इसको पकड़ा, ड्रैग करा, यहाँ पे इसको ड्रॉप करा, तो ये हो गया ड्रॉप। तीसरी इनपुट डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी इनपुट डिवाइस मेरी सबसे फेवरेट है क्योंकि मैंने इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करा है। जी हाँ, मैं एक रुपये का कॉइन लेता था और मैं कॉन्ट्रा वाला गेम खेलता था। सॉरी कॉन्ट्रा नहीं, टेकन थ्री वाला गेम खेलता था।
2 रुपए के 2 सिक्के आते थे, उसमें पॉल और नीना में खूब लड़ाई लड़वाता था इन लोगों में, पॉल में, नीना में, किंग में, ये सारे के सारे। जिस जिसने भी ये गेम खेला है टेकन 3, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि सर मैंने गेम खेला है टेकन 3। गेम में जो हत्ता होता था, जो हैंडल होता था, जिससे हम पॉल को, जिससे हम नीना को, जिससे हम किंग को ऊपर उछालते थे, वही तो बच्चों जॉयस्टिक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जनरली जॉयस्टिक इज यूज फॉर प्लेइंग द गेम्स। गेम्स को खेलने में जनरली जॉयस्टिक का यूज होता है। इसमें लिखा है जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ स्टिक दैट पिवट्स ऑन अ बेस एंड अ रिपोर्ट इट्स एंगल और डायरेक्शन टू द डिवाइस इट इज कंट्रोलिंग। जॉयस्टिक एक नीचे बेस से फिक्स होती है और ये जैसे जैसे जॉयस्टिक को आप मूव करोगे वैसे ही वैसे ये आपकी स्क्रीन पर पॉइंट आउट करेगी, ये आपकी जॉयस्टिक हुई। अगले बारे अगली हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। अगली इनपुट डिवाइस है बच्चों लाइट पेन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जॉयस्टिक का, जॉयस्टिक आर ऑल्सो यूज फॉर कंट्रोलिंग मशीन सच एज क्रेन्स, ट्रक्स, अंडर वाटर अनमेन्ड व्हीकल्स, ये सारी की सारी चीज़ों में हम लोग जनरली जॉयस्टिक यूज करते हैं। अरे भाई मेले में 50 रुपये वाली कार, रिमोट कंट्रोलिंग वाली कार, जहाँ रिमोट घुमाओ वहाँ कार आगे, रिमोट का हैंडल आगे, कार आगे, रिमोट का हैंडल पीछे, कार पीछे, वो क्या है, जॉयस्टिक ही तो है मेरे दोस्त। अब हम लोग बात करते हैं लाइट पेन की। लाइट पेन इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट यूटिलाइजेज अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। लाइट पेन के माध्यम से एक ऐसा पेन जिससे लाइट निकले और उस लाइट से स्क्रीन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ जाए। तो चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो में हम लोग लाइट पेन के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइट पेन की वर्किंग दिखाएंगे। देखो दोस्तों ये है आपकी वीडियो, इसमें आप वीडियो में देख पा रहे होगे, मैं पहले इसकी साउंड बंद कर देता हूँ। ये इसमें इस पेन के माध्यम से स्क्रीन पर लिख रहा है, ये है लाइट पेन। इस पेन में से लाइट निकलती है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। हाँ ये उसने लिख दिया लाइट पेन, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के भी काम में आता है, यानी टोटली और टोटली माउस की तरह ही है। बस अंतर ये है कि ये पेन है और इस पेन में से लाइट निकलती है, उस लाइट को स्क्रीन डिटेक्ट करती है, ऐसे काम चलता है लाइट पेन। और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये सबको सेलेक्ट कर रहा है, जैसे पेंट में काम करते हैं ना, देखो ये सारा का सारा काम किसके द्वारा कर रहा है, ये लाइट पेन के द्वारा कर रहा है। लाइट पेन से देखो इसको नीचे करा, ऊपर करा, सब कुछ किसके द्वारा, अब इसको खोल रहा है, ये लाइट पेन के माध्यम से ही खोल रहा है। तो दोस्तों ये था लाइट पेन। लाइट पेन के बारे में आप समझ गए होंगे कि लाइट पेन कैसे क्या है। अब हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर के थ्रू ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती है। बिल्कुल एक लाइट पेन इज सिमिलर टू अ माउस। लाइट पेन क्या है, एक माउस की ही तरह ही, एक्सेप्ट दैट विद अ लाइट पेन यू कैन मूव द पॉइंटर एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन बाई डायरेक्टली पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट विद द पेन। माउस में क्या होता था, माउस में आप माउस को सरफेस पर चलाते थे, यानी एक बेस पर चलाते थे, और जब आप बेस पर चलाते थे तब वो माउस का पॉइंटर मूव होता था। लेकिन लाइट पेन में क्या है, लाइट पेन में आपको बेस पर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें से जो लाइट निकल रही है उस लाइट को आप डायरेक्ट स्क्रीन पर मूव करो ना, और आपका ऑब्जेक्ट और आपका पॉइंटर दोनों मूव हो जाएगा। अगला हम इनपुट डिवाइस। तो देखो बच्चों ये इनपुट डिवाइस ही तो है। देखो सबसे पहले आपने कीबोर्ड पढ़ा, कीबोर्ड के द्वारा तो आप जनरली डाटा को कंप्यूटर तक भेजते हो, माउस के द्वारा भी आप अपने डाटा को कंप्यूटर तक भेजते हो, यानी अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाते हो ना। जैसे आपको कोई फोल्डर खोलना है तो आप माउस के द्वारा खोल रहे हो, आपके इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक तो जा रहे हैं ना, बिल्कुल जा रहे हैं, तो ये इनपुट डिवाइस है। अगली है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के माध्यम से आप पॉइंट आउट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को इधर उधर कर रहे हो, गेम्स को, गेम्स के गेम्स में आप अपने हिसाब से अपने प्लेयर को ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह दौड़ा रहे हो, आपके हिसाब से ही तो काम कर रही है जॉयस्टिक, तो वो इनपुट डिवाइस है।
अगला है आपका लाइट पेन। लाइट पेन के हिसाब से लाइट पेन में आप जो भी कुछ लिख रहे हो वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर लिख रहा है, यानी इनपुट दे रहे हो ना आप इन सब चीज़ों के माध्यम से कंप्यूटर के लिए, तो ये क्या हो गए, ये आपके इनपुट डिवाइस है। तो फटाफट याद कर लीजिए अभी तक हमने कौन कौन सी इनपुट डिवाइस पढ़े हैं। सबसे पहले हमने कीबोर्ड पढ़ा है, दूसरे नंबर पे हमने माउस पढ़ा है, तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा, तीसरे नंबर पे हमने आपका जॉयस्टिक पढ़ी, फिर लाइट पेन पढ़ा। अब हम लोग बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर फोटोकॉपी, स्कैनर मींस फोटोकॉपी। एक तरीके से द स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, इट स्कैन द टेक्स्ट एंड इमेजेस प्रिंटेड ऑन द पेपर एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो आपके जो डाटा है यानी जो पेपर है उसको स्कैन करती है, उसको रीड करती है, रीड करने के बाद उसकी जस्ट कॉपी, एक पूरी की पूरी कॉपी डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है। ये बच्चों तीन तरीके के हुए। तो स्कैनर के माध्यम से आप अपने डाटा कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं ना, तो ये तीन तरीके के होते हैं। एक होता है फ्लैट वेड स्कैनर ओपन, जैसे ये रहा, अब इसमें आप किताब रखो, पेपर रखो, इसको बंद करो, वो पूरा का पूरा आपका फ्लैट है स्क्रीन, इसकी जो बेस है वो कैसा है, फ्लैट है। तो इसमें क्या है, इसमें वो पेपर ऊपर है वो अपना पूरा स्कैन हो जाएगा और कंप्यूटर तक आपका डाटा पहुंच जाएगा। एक होता है रोलर फीड स्कैनर। रोलर फीड स्कैनर का मतलब जिसमें जो पेपर होता है ना, लंबा पेपर हो, चौड़ा पेपर हो, कैसा भी पेपर हो, इसमें हिलगाओ और उसके बाद वो ऐसे रोल घूमता 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 धीरे 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 करके घूम 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 करके पूरा आपका पेपर स्कैन हो जाएगा, वो हो गया रोलर फीड स्कैनर। एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, यानी आपका जो जो कम एरिया को स्कैन करे, जैसे आपका ये हो गया, ये भी क्या है एक तरीके से, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका एक हैंड हेल्ड स्कैनर है, हैंड हेल्ड स्कैनर है। तो आपको बस जनरली बात याद ये रखनी है कि स्कैनर का काम क्या है। स्कैनर का काम ये है कि ये टेक्स्ट और इमेज इन सबको स्कैन करता है, स्कैन करके ये डिजिटल फॉर्मेट में सेव कर देता है। ये तीन तरह के होते हैं, फ्लैट वेड स्कैनर, रोलर फेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर, तीनों को मैंने आपको बता दिया। अगला आपका हो गया बार कोड स्कैनर। तो बच्चों कौन कौन आप में से मॉल में गया है, जो जो लोग मॉल में गए हैं, मॉल से कोई भी चीज़ सामान खरीदी हो, तो वो लोग सामान जब आप कैश काउंटर पे लाते हैं तो कैश काउंटर पे आपका सामान देखते हैं, सामान लेने के बाद एक गन बंदूक जो ऐसे जी इसके हाथ में लगी हुई है, बंदूक आपके आइटम के कोड पर मारते हैं और बता देते हैं साहब ये 50 रुपये की है, आपको 56 रुपये देने हैं, 5 रुपये और 1 रुपया पन्नी का और 5 रुपये हमारे लिए एक तरीके से टैक्स हो गया। तो यानी इनके माध्यम से चीज़ें, जो चीज़ें हैं उनको स्कैन करके या जो कोड है उसको स्कैन करा जा रहा है और उसकी उस कोड की जो गुप्त कोड है, उस कोड के में जो जानकारी छुपी हुई है वो आपके सिस्टम तक आ रही है। तो ये काम है बार कोड रीडर का, इसको हम लोग बार कोड रीडर कहते हैं। इट इज़ अ हैंड हेल्ड और फिक्स डिवाइस दैट कैन रीड द बार कोड ऑन द पैकेजेस। बार कोड स्कैनर स्कैन आर लिटिल लेवल दैट हैज़ अ बार कोड ऑन इट। ये क्या काम करता है, ये वाली जो लाइनें होती हैं ना दोस्तों, ये बार कोड होती हैं, ये वाली बार कोड है और इसको रीड करने की जो मशीन होती है उसको हम लोग बार कोड स्कैनर, सॉरी बार कोड रीडर कहते हैं। तो बार कोड रीडर का काम क्या है, बार कोड रीडर का काम ये है, ये जनरली बार कोड को रीड करती है। बार कोड को रीड करने के बाद जो बार कोड है उसमें जो जानकारी छुपी हुई है, जो गुप्त जानकारी है, उसको वो स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम में वो फीड करती है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हुआ। अगली हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस MICR। सबसे ज़्यादा इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या फिर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा बैंकों में यूज़ करी जाती है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो चेक होता है, चेक में कोड होता है, उस कोड के भी भीतर हमारी जानकारी गुप्त रूप से छिपी हुई होती है,
जैसे हमारा नाम, हमारा अकाउंट नंबर, ये सारी जानकारी। तो ये सारी जानकारी को स्कैन कौन करता है? MICR स्कैन करता है। तो देखिए मैं आपको इसका काम बताता हूँ। MICR means मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और MICR इज अ कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज प्राइमरली बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स। जो चेक होते हैं ना, चेक, पापा 5 लाख का चेक दे दो, पापा 10 लाख का चेक दे दो, पापा 5,000 का चेक दे दो, तो वो जो चेक होता है उस चेक पर एक कोड होता है, वो जो कोड को जो रीड करने वाली चीज़ होती है वो MICR ही है। तो देखो ये आपकी वो मशीन है MICR। अब यहाँ से हमारा चेक गया मशीन के भीतर, जब वो चेक गया तो वो क्या काम करती है, वो इस चेक को रीड करती है और जो चेक पर जो कोड होता है उसको रीड करती है। तो MICR जो है वो क्या काम करती है, वो एक इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, अगली वाली है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। सबसे अच्छी OCR। OCR का काम मैं अगर आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। OCR का काम ये है कि ये क्या काम करती है, पिक्चर को स्कैन करती है, और पिक्चर को स्कैन करने के बाद उसको रीडेबल एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है। जी हाँ, आपने सही सुना, उसको रीड करके उसको एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए ये मेरे पास एक PDF है। अब आप मुझसे ये कहें कि इसको आप टाइप करो, यहाँ से लेके आप यहाँ तक टाइप करो। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर मेरे पास OCR मशीन होती तो मैं इसको स्कैन कर लेता। स्कैन जब मैं करता तो ये तुरंत एडिटेबल फॉर्मेट में, यानी नोटपैड या MS Word में हूबहू टाइप हुआ आ जाता। उसके बाद हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो इसमें यही लिखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इट हेल्प टू रिकॉग्नाइज द एक्चुअल वर्ड्स इन अ स्कैन इमेज। ये क्या काम करती है, ये सबसे पहले इमेज को स्कैन करती है, उसके बाद क्या काम करती है, उसको अंडरस्टैंड करती है, और उसके बाद उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है। यही काम है OCR का। अब जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब OCR के लिए सबसे पहले मुझे, मान के चलो मैंने स्निपिंग टूल यूज़ करा, ठीक है दोस्तों, मैंने स्निपिंग टूल यूज़ करा, मैंने यहाँ से स्निपिंग टूल यूज़ करा, और ये मेरी PDF थी। चलो मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, जैसे ये है, ये मुझे ये टाइप करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे न्यू पे करके मैंने इतना इसको एक पिक्चर बना ली, ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया, सेव एज कर लिया, और ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया SP2 के नाम से, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये मेरे पास डेस्कटॉप पे आ गया SP2। SP2 नाम की एक पिक्चर आ गई है, आप लोग देख पा रहे होंगे ना, ये SP2 नाम की एक पिक्चर आ गई। अब आप ये कहें कि सर इसको आप टाइप कर दो, अब ये सिलेक्ट तो होगी नहीं, यहाँ से कॉपी पेस्ट तो होगी नहीं इस पिक्चर को। अगर मेरे पास OCR मशीन होती तो मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखो OCR तो है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं ऑनलाइन OCR यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने गूगल पे डाला ऑनलाइन OCR करा, फ्री ऑनलाइन OCR पे गया, यहाँ से मैंने अपनी फाइल को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट फाइल पे गया, डेस्कटॉप पे मेरे पास क्या है, मैंने किस नाम से सेव करी थी, मैंने SP2 के नाम से सेव करी थी, अपनी इमेज को सिलेक्ट करा, ओपन करा। ओपन करने के बाद ये कन्वर्ट हो रही है, यानी इंग्लिश की फाइल है, ये कन्वर्ट होगी किस में, MS Word में, ठीक है, MS Word में होगी। मैंने यहाँ पे Step 3 कर दिया कन्वर्ट। कन्वर्ट करने के बाद वो प्रोसेसिंग करना शुरू हो गई, और ये आ गया हमारी डाउनलोडेड आउटपुट फाइल। यहाँ पर मैं क्लिक करके मैंने अपनी फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लिया, और जब डाउनलोड करके जब मैं इसको ओपन करूँगा तो देखो ये किस फॉर्मेट में होगी। आय हाय, हमारा काम हो गया। अब देखो, अब मैं इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर लिख सकता हूँ।
मैं इसमें थोड़ा सा आपको बढ़ा के दिखा दूँ, यहाँ पे अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने लिखा कंप्यूटर देवता, COMPUTER कंप्यूटर और देवता, DEVTA। आप समझ गए होंगे ना OCR का मतलब। OCR का मतलब जो आपके इमेज को रीड करे और उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे। तो ये काम हमारा किसका है, ये काम हमारा OCR का है। तो दोस्तों ये सबसे अहम जानकारी मैंने आपको दी, इस जानकारी में आपने सीखा कि OCR का क्या यूज़ है। अब हम लोग अपनी PDF की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, OCR आई स्कैनर ओनली कॉपीज द इमेज इट सीज, इट कैन अंडरस्टैंड और द करेक्टर मीन इन द टेक्स्ट इमेज, एंड दैट्स वॉट OCR सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर। आगे बढ़ते हैं, अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यानी माइक, ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस के अंदर आती हैं। क्यों? क्योंकि आप इन सब के द्वारा आप अपना डाटा कहाँ तक पहुँचाते हैं, कंप्यूटर तक पहुँचाते हैं। तो माइक यानी माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउस टू एंटर साउंड या फिर वॉइस डाटा इनटू द कंप्यूटर। इनके माध्यम से आप अपनी डाटा या अपना आवाज़ या अपनी साउंड या अपनी वॉइस आप कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। मैं भी आपको पढ़ाने के लिए माइक्रोफोन या फिर माइक का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, जिससे मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ आप तक पहुंचे। अगली इनपुट डिवाइस है वीडियो इनपुट। वीडियो इनपुट यानी ऐसी इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा आप वीडियो को, अपनी वीडियो को कंप्यूटर तक पहुंचाएं। तो वो कौन कौन सी है, आपकी डिजिटल कैमरा हो गया, वेब कैमरा हो गया, तो ये क्या है, अ वीडियो कैमरा और रिकॉर्डर रिकॉर्ड्स डाटा दैट कैन बी अपलोडेड टू द कंप्यूटर विद द राइट हार्डवेयर। ये सारी क्या चीज़ें हार्डवेयर में ही आ जाते हैं और ये अपना यानी आपका पूरा कैप्चर करके कहाँ पे भेजते हैं, कंप्यूटर तक भेजते हैं। तो ये वेबकैम भी क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गई। अब अगला है वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। अब देखो ये क्या है, ये आपके गूगल वगैरह में सब में है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे google.com खोला तो यहाँ पे ये माइक जो आ रहा है बोल कर खोजें। अब मैंने लिखा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यहाँ खोज कर आ गया। तो ये सारी चीज़ क्या थी, ये थी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। क्या था ये था वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। वॉइस इनपुट सिस्टम आर बिकमिंग कॉमन नोवाडे। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब तो हम लोगों के पास वो आ रहा है, जैसे सपोज राजेश को फ़ोन करना है तो कॉन्टैक्ट में गए और फिर हम लोग राजेश को ढूंढते हैं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसमें वॉइस इनपुट कर दो राजेश, राजेश को फ़ोन ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो वही है, दिस सिस्टम हेल्प पीपल टू इनपुट डाटा इन टू द कंप्यूटर थ्रू वॉइस और स्पीच। स्पीच और वॉइस के थ्रू आप अपना डाटा कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस हैं। अब हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने दो चीज़ें पढ़ी कि कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। अब बात आ रही है कि इनपुट डिवाइस क्या है, तो हमने सबसे पहले इनपुट डिवाइस को समझा कि जिसके माध्यम से डाटा हम कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस के अंदर हमने अलग अलग तरह के इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, जैसे कीबोर्ड के बारे में पढ़ा, माउस के बारे में पढ़ा हमने, जॉयस्टिक के बारे में पढ़ा, लाइट पेन के बारे में पढ़ा, स्कैनर के बारे में पढ़ा और पढ़ा कि स्कैनर तीन तरह के होते हैं, बारकोड रीडर के बारे में पढ़ा, MICR के बारे में पढ़ा, MICR की फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR के बारे में पढ़ा, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR को हमने करके दिखाया, और हमने क्या क्या पढ़ा, माइक्रोफोन, वीडियो इनपुट और वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। इन सब के साथ साथ हमारा आज का पार्ट वन कंप्लीट हुआ। अब हम अगले पार्ट में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी पूरी वर्किंग पढ़ने वाले हैं और साथ के साथ मेमोरी मैनेजमेंट को भी अगली वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, आपको कितना फ़ायदा हुआ, ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो फटाफट मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।